नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। सुंदरवती महिला महाविद्यालय के प्राचार्य रमन सिन्हा ने छात्राओं के ड्रेस कोड को लेकर नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें निर्देश दिया गया है कि नए बैच की छात्राएं एक या दो चोटी में ही कॉलेज में प्रवेश कर सकेंगी। नए ड्रेस कोड लागू होने के बाद छात्र संगठन इसे तानाशाही बताकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि कॉलेज की छात्राओं की बात करें तो छात्राएं ड्रेस कोड के समर्थन में भी हैं। मामले के बारे में प्राचार्य से बात करने पर उन्होंने कहा कि नए सत्र की छात्राओं की कक्षाएं प्रारंभ होने के बाद जो छात्र या अभिभावक ड्रेस कोड के बारे में लिखित सुझाव देंगे, उस पर विचार किया जाएगा। नोटिस में है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित प्लस टू ब्रैकेट में इंटर की छात्राओं को 2021 से नया ड्रेस कोड में आना है। उस ड्रेस कोड में जो भारतीय सभ्यता संस्कृति संस्कार बोलता है वो ड्रेस कोड है। अगर उस पर किसी को आपत्ति है तो लिखित रूप से सुझाव दे, मैं अपने कॉलेज प्रशासन में वो रखूंगा, वो सुझाव मान होगा तो निश्चित रूप से उसको संशोधन किया जाएगा। चोटी बांध के पहले तुम लोग नहीं आती थी? आते थे, चोटी बांध के आते थे। और सारी लड़कियाँ जो नहीं आती थी वो भी आएंगी। बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले लड़की लोग बाल खोल के आती थी तो अच्छी बात नहीं होती थी। कॉलेज का रूल है कि चोटी करके आना चाहिए, पर बहुत लड़की बाल खोल के आती थी, तो अच्छी बात है कि चोटी करके आएगी सारी। वहीं दूसरी ओर सुंदरवती महिला महाविद्यालय में ही हाई स्कूल पास कर कॉलेज में प्रवेश करने वाली छात्राओं को एडमिशन के लिए ही नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। काउंटर पर लगी हुई छात्राओं की भीड़ को देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन्हें नामांकन लेने में किस कदर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काउंटर पर लगी भीड़ और छात्राओं की परेशानी के बारे में जब प्राचार्य से बात की गई तो उन्होंने बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल की जिम्मेवारी बोलकर अपना पल्ला झाड़ लिया। व्यवस्था की कमी रहेगी, चूँकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपने पोर्टल पर आमंत्रित करता अपने से आवेदन छोड़ता हुआ है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जब इंटरमीडिएट काउंसिल था, कॉलेज का सारा पद ले लिया, शिक्षक का नॉन टीचिंग का आदमी देता नहीं है, कॉलेजों को दलाल बना के रखा है कि बच्चे को इधर से खरीदिए उधर से भेज दीजिए, वो एक आदमी नहीं देता। मैंने मांगा है कि तीन हमको दक्ष कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, दो प्यून चाहिए जो मार करेगा, मेरा प्यून मार नहीं करेगा। कजरेली थाना क्षेत्र तमोली गांव में नाली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजन की माने तो नाली विवाद में पड़ोसी ने गाली गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। इधर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। सब मिल के टूट पड़ा। हम लोग घर में सिर्फ तीन सास बहू थे, मेरे यहाँ से मेरे हस्बैंड जो है, मेरे देवर, लोग सब अपने काम पे थे, दुकान पे, कोई घर में नहीं था। सब टूट पड़ा, जरा सा बात में उन लोग को मार करने का पूरा प्लान बना के रखा था, और ससुराल वाले को भी बुला लिया फोन कर, ससुराल वाला आया और मार शुरू हो गया। सुल्तानगंज सरकारी बस स्टैंड के समीप पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान लावारिस अवस्था में एक बोलेरो से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया। मौके पर पुलिस को देख अवैध शराब के कारोबारी फरार हो गए। इस दौरान थाना अध्यक्ष लाल बहादुर ने बताया कि पेट्रोलिंग के दौरान सरकारी बस स्टैंड के समीप एक सुमो गोल्ड विक्टा से 480 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है। अंग्रेजी शराब को भागलपुर जांच के लिए भेज दिया गया है। बाढ़ जैसी प्राकृतिक त्रासदी जिससे सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और लोगों को अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यत्र तत्र शरण लेना पड़ रहा है। इस भीषण त्रासदी में एक जिम्मेदार संस्था के रूप में पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय भागलपुर ने अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए बाढ़ पीड़ितों को खाद्य सामग्री वितरित किया। मंडल प्रमुख सुधांशु भूषण ने कहा कि भविष्य में भी पंजाब नेशनल बैंक ऐसे जनोचित कार्य करता रहेगा जिससे सामाजिक विकास की प्रक्रिया अनवरत चलती रहे। और उसी सामाजिक दायित्व के निर्वहन के रूप में हम लोग बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए खाद्य सामग्री
वितरित करने का कार्यक्रम आज रखे हैं। भागलपुर कहलगांव मुख्य मार्ग NH-80 का हाल बेहद बुरा हो चुका है। सड़कें कई जगह इतनी टूट चुकी हैं कि एक साथ दो गाड़ी पार नहीं कर सकती हैं। छोटी गाड़ी किसी तरह सड़कों पर रेंगती नजर आ रही है। लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। हालांकि सड़क से पानी उतरे 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सड़क मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ है। आधी सड़क पानी में बह चुकी है और बाकी बची आधी किसी तरह गाड़ियों का दबाव झेलकर डटी हुई है। प्रशासन की ओर से ना ही कोई सुरक्षा का इंतजाम और ना ही सड़क मरम्मत का कार्य करवाया जा रहा है। वैसे तो NH-80 अपनी जर्जर हालत के लिए जानी जाती है और बाढ़ उसकी हालत को और भी बर्बाद कर गई है। सोमवार को बैंक ऑफ इंडिया भागलपुर अंचल की ओर से सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें भागलपुर व आसपास के सभी इकाइयों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की बैठक रखी गई। इसका मुख्य उद्देश्य था कि बैंक और ग्राहकों के बीच अच्छा स्वास्थ्य सामंजस्य कैसे पैदा हो, बैंक ऑफ इंडिया से ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ किस तरह मिल सके। प्रेस वार्ता के दौरान बैंक के जनरल मैनेजर ने कहा कि हमारे जितने भी ग्राहक हैं उन्हें दोनों सेक्टर से मजबूत करना हमारा मकसद है। ब्रांचेज को जो संबोधन किया है उसमें 3 चीज पर हमने फोकस किया। पहला रिटेल सेगमेंट, SME, खास करके कि SME से हमारा चूंकि रोजगार का सीजन होता है इसलिए SME पे ज्यादा फोकस करें। भागलपुर जिला विधिक संघ के हॉल में तदर्थ समिति के तत्वावधान में महासचिव अंजनी कुमार दुबे द्वारा बैठक रखी गई, जिसमें सैकड़ों अधिवक्ता उपस्थित थे। बैठक का उद्देश्य वैश्विक महामारी कोरोना के कारण कई महीनों से अधिवक्ता समुदाय काफी परेशान है और जिस तरह राज्यों में अब मैनुअली केस देखा जाने लगा है उसी तरह अपने भागलपुर में भी मैनुअली काम शुरू हो जाए। कई राज्यों में मैनुअल और ऑनलाइन वर्चुअल मोड में कार्य शुरू हो जिससे कि अधिवक्ताओं की स्थिति सुधर पाए। अधिवक्ता सम्मानित अधिवक्ता जिनको आमंत्रित किया गया था उन्होंने कहा कि अगर फिजिकल भी कर दिया जाता है तो अब तमाम अधिवक्ता जो भुखमरी कगार पर चले गए हैं उनको थोड़ी राहत मिलेगी। इसलिए एक समय आप वर्चुअल कर दीजिए, एक समय आप फिजिकल चला दीजिए 2 बजे तक, जिससे कि तमाम अधिवक्ताओं की रोजी रोटी की समस्या दूर हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों की ओर से इसका पूर्ण रूपेण विरोध करते देखा गया। अवैध बैठक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है और ये जो अभी तदर्थ समिति के महासचिव है तथाकथित अंजनी कुमार दुबे, इन्होंने भागलपुर के तमाम अधिवक्ताओं की इज्जत प्रतिष्ठा को गिरवी रखने का काम किया है। पहले तो इनका तांडव जो है अधिवक्ताओं और ये चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के साथ होता था, लेकिन अब ये तांडव करते करते सीधा जो है हमारे बेंच तक पहुँच गया है जो कि सर्वनाक है। और फिलहाल खबरों में इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।